गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्र विस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम मह एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंतरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायं मुदिरे। आज श्रीमद् भगवद गीता के 62 नंबर श्लोक का हम लोग 18वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक का चिंतन कर रहे थे। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप सब लोगों को स्मरण भी रहता होगा, क्योंकि विषय ही ऐसे हैं, तो चर्चा ही ऐसी है, और आज तो बहुत विशेष तिथि है। आज के दिन सरस्वती देवी, विष्णुप्रिया देवी, इन सब का प्राकट्य दिन है। विशेष करके विष्णुप्रिया देवी, महाप्रभु की शक्ति जो श्री शक्ति हैं, विष्णुप्रिया देवी का आज आविर्भाव है। गौड़ीय मठों में विष्णुप्रिया देवी के आविर्भाव को और अन्य जो तिथियां हैं इसके बीच में, बहुत विशेष तिथियां हैं। कौन कौन सी हैं आविर्भाव तिर्भाव तिथियां, लेके आओ। उन सबको ही मनाते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि सरस्वती पूजा को कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जड़ेर विद्या वो माया और वैभव, माया का वैभव है, सांसारिक विद्या माया देवी का वैभव है। इसलिए जीव के करे गाधा जीव को गधा बना देती है और इधर उधर उसको नचाती रहती है, सांसारिक विद्या। लेकिन सरस्वती जी वो सांसारिक विद्या हैं ऐसा बोलना महाअपराध है। तो हमारे गुरुजनों ने ऐसा बोला तो सरस्वती जी के लिए नहीं बोला, सांसारिक विद्या के लिए बोला, क्योंकि सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तारहिया विनोदेर सेई से वैभव। सरस्वती जो है कृष्ण प्रिया है और कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा ही उनका हृदय है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं मेरा वही वैभव है। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों ने भक्तिविनोद ठाकुर जी के इस दोहे को इस तरीके से लिया कि सरस्वती मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं मेरा वैभव, मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा वैभव जो है वो सरस्वती है,
जिसका हृदय कृष्ण भक्तिमय है। तो प्रभुपाद के शिष्य कहते वो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वहां जो कहा है वो उस सरस्वती देवी के लिए बात कही है कि जो प्रभु भक्ति सिद्धि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो इतना विस्तार किया, जो उन्होंने इतने पद लिखे, जो उन्होंने कविताएं लिखी, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे, शताधिक ग्रंथ, 100 से अधिक ग्रंथों को उन्होंने लिखा, छोटे से बड़े ग्रंथों तक को, कहते वो सारे के सारे ग्रंथ कैसे प्रकाशित हुए, उस भाव में भावित होकर उन्होंने कहा कि कृष्ण जो सरस्वती जी हैं उनकी कृपा से हुआ। कौन सी सरस्वती जी की कृपा से हुआ? जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति है वो सरस्वती जी की कृपा से। तो यही मेरा वैभव है जो मुझे प्राप्त हुआ, जो वैभव दिखाई दे रहा है ये वही वैभव। इस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसा प्रदर्शन किया, बोला। तो आज सबसे पहले आई बसंत पाला उड़ंत, बसंत आई और पाला जा रहा है, ठंडी जा रही है, पाला पड़ता मतलब ओस पड़ना, जा रही है। और बसंत पंचमी आज का दिन है, आज विष्णुप्रिया जी का आविर्भाव है, सरस्वती पूजा है, पुंडरिक विद्यानिधि जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री रघुनंदन ठाकुर जी का आविर्भाव है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरोभाव है, प्रभुपाद जी के शिष्यों में भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप पर्वत महाराज का आज तिरोभाव है, और तेजपुर मठ के गुरु गौरांग राधा नैना मोहन जी का आज महाअभिषेक, आज उनका भी प्रकट उत्सव है। ये इस प्रकार से आज की तिथि बड़ी ही महत्वशील है, महान तिथि है। तो आज की तिथि को अवलंबन करके हम लोग चाहे तो जहाँ जा सकते हैं, मतलब अगर इसका ठीक तरीके से पालन किया जाए। और मैं बहुत बार चिंतन किया कि इसको बहुत अच्छे तरीके से पालन करूं, लेकिन सेवाओं में व्यस्त होने के नाते आज लगभग 34-35 साल मठ में हो गए, पालन नहीं कर पाया। बीच में 2-3 बार शायद मौका मिला था कि इसको एक अच्छे तरीके से पालन कर सकूं। पालन का मतलब इसमें इन सभी भगवत पार्षदों का संबंध है, तो जिस तिथि में वो संबंध होता है, प्रकृति शक्ति माया देवी, उस तिथि में उनके गुणों को लेकर के आनंदित होती है कि आज के दिन वो आए थे, आज के दिन वो आए थे, आज के दिन वो आए थे। और भी जो पूरे जगत के अंदर कोई महापुरुष लोग होंगे जिन्होंने महान कार्य किया होगा, उसको लेकर के प्रकृति उस जगह पे उसका उनके गुणों का पिटारा खोल के रखती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि भी छुपा हुआ खजाना है, उजगर है, खुला हुआ है। तो उस तिथि को जब व्यक्ति उसमें प्रवेश करता है, या उस तिथि को जब अपने आप से निकलता है, अपने शरीर से अलग होकर सोचता है और तिथि के अंदर आए हुए महापुरुषों का चिंतन करता है, भगवान के पार्षदों का चिंतन करता है, जब भगवान की शक्तियों का चिंतन करता है, तो उससे उनके अंतःकरण में उन शक्तियों का प्रवेश होता है। तो वो कर नहीं पाया। आज भी ऐसे ही जाना होगा, आज भी वृंदावन जाना है, और आश्रम की सेवाएं जो हैं उनके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि जो आज मैं कुछ भी बोल पाता हूँ, ये गुरुदेव की अहेतु की कृपा है कि उन्होंने देखा कि इसकी हृदय में जो इच्छा है वो इच्छा है कि कुछ अच्छा सभ्यता से बोल पाए या अच्छा कुछ समझ पाए। तो चलो, इच्छा इसकी बहुत थी, ये करे वो करे वो करे, नहीं कर पाए मेरे अंदर में, इसलिए चलो इसको दे देते। तो एक फ्री फंड में मेरे को अहेतु की कृपा से कुछ ज्ञान मिला है। तो आइए सरस्वती जी के बारे में कुछ चर्चा करें,
क्योंकि मठों में तो पुंडरीक विद्यानिधि, रघुनाथ दास, रघुनंदन ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन सबकी ही चर्चा होती है, सरस्वती जी की चर्चा न होती, इसलिए आज सरस्वती जी की चर्चा करते हैं। सरस्वती जी जब आदि काल में जब शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत में सच्चिदानंद तत्व एकत्व रूप में था, एक ही रूप में था, सच्चिदानंद एक ही तत्व था, मतलब जो सत था वही ज्ञान था और जो ज्ञान था वही आनंद था। आदिकाल में, आदिकाल का मतलब हमेशा ऐसा ही था पहले, मगर वही सत ने, सत जो होता वो नित्य होता, जो नित्य होता उसी में ज्ञान होता है, जिसमें ज्ञान होता उसी में आनंद होता है, ज्ञान में कभी आनंद अज्ञान में कभी आनंद नहीं होता। इसलिए सत मतलब नित्य, नित्य जहां नित्यता है वहां डेफिनेटली ज्ञान है, और जहां ज्ञान है वहां डेफिनेटली आनंद है। ये तीनों तत्व जिस वक्त एक थे, मतलब आग जिस वक्त अग्नि की तरह दिखाई दे रही थी, तब तक केवल एक ही दिखाई दे रहा था, प्रकाश, समझना, दूर से हम क्या देख रहे थे, प्रकाश, अग्नि का प्रकाश आ रहा है। लेकिन ज्यों ज्यों नजदीक गए हम, नहीं ये हम, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं ये बात का, भगवान के पास की बात, डायरेक्ट भगवान की बात हो रही है। दूर ज्यों ज्यों नजदीक जाए गए, जाने से पता लगा उसके अंदर ताप भी है, प्रकाश के अलावा ताप भी है, ज्वलनशीलता भी है, और अगर छुएंगे तो जला भी देगी। तीन चीजों का उसका पता लगा। इसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद जो तत्व हैं, वो अनादि काल में जो ऋषियों के द्वारा वर्णित हुए हैं, जो ऋषियों के द्वारा समझे गए हैं, वह एक ही तत्व के रूप में समझे गए, परंतु किसी समय में ऋषि उसे समझ नहीं पाए, जो नहीं समझ पाए नहीं समझ पाए, जितना उनके शरणागति थी उतना समझे, लेकिन किसी समय में वही सच्चिदानंद तत्व तीन रूपों में प्रकट हुआ, सत के रूप में बलदेव जी, चित के रूप में कृष्ण, आनंद के रूप में श्री राधा रानी। यूं तो सच्चिदानंद ये भी हैं, ये भी सच्चिदानंद है, ये भी सच्चिदानंद है, क्योंकि सत से कभी असत नहीं होता, अज्ञान से कभी ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान में कभी अज्ञान नहीं मिलता, सूरज में कभी अंधकार नहीं मिलता, वहां से जो भी निकलेगा वो प्रकाशमय ही होगा। ऐसे ही सच्चिदानंद से जो भी प्रकट होगा सच्चिदानंद ही होगा, परंतु उसमें गुरुता, उसमें विशेष महत्व अलग अलग दिखता है। जैसे लपटों के साथ में अगर लपटोगे तो लपट बन जाओगे, लपटों के साथ लपटोगे तो लपटी बन जाओगे, है ना, लेकिन लपटों से दूर हो तो फिर आपका एक अलग आस्वादन होगा उन लपटों का, देख पाओगे उन्हें, उनको देख करके उनका चित्रण कर पाओगे, वर्णन कर पाओगे। तो ऐसे ही कृष्ण सूर्य हैं, राधा रानी उनका वैभव, उनका प्रकाश, उनका आनंद है, तो यूं समझ सकते हैं राधा रानी जो है उनका आनंद है, और आनंद के रूप में लपटे हैं, और लपटों से साथ साथ ही जो दिव्य प्रकाश, अनंत प्रकाश, पूरे अनंत विस्तृत है, वो है वैभव स्वरूप भगवान का, विलास स्वरूप भगवान का, बलदेव जी, बलराम जी। तो वह बलराम जी भगवान का आउटर रिंग है, मतलब लपटों के साथ में लपटा हुआ भी है और नहीं भी है, एक आभा मंडल है। तो ये आदिकाल में इस प्रकार से जब भी
ऋषियों ने दूर से देखा तो उन्हें केवल प्रकाश दिखाई दिया, नज़दीक गए तो उन्हें तीन तत्व दिखलाई दिए। वो तीनों तत्वों को कहते हैं कि वह आदि काल में जब श्री कृष्ण से राधा जी प्रकट हुई तो राधा जी राधा जी खुद की महिमा नहीं जानती, तो कृष्ण ने श्री राधा जी की प्रथम स्तुति की और स्तुति करके श्री राधा जी को प्रसन्न किया। फिर राधा जी ने कृष्ण की स्तुति की, स्तुति जब करने लगी तो उनकी जिह्वा से सरस्वती प्रकट हुई, राधा रानी की जिह्वा से सरस्वती प्रकट हुई और फिर वो सरस्वती ने भगवान की स्तुति की। श्री राधा जी ने स्तुति की, फिर बाद में सरस्वती ने भगवान की स्तुति की, कृष्ण की स्तुति की। तो ऐसे ही श्री राधा रानी से दुर्गा जी प्रकट हुई, श्री राधा रानी से लक्ष्मी प्रकट हुई, श्री राधा रानी से पंच महाशक्तियाँ प्रकट हुई। तो इस प्रकार से राधा जी उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सब आमनाय वाणी। आमनाय शब्द का अर्थ होता है वैदिक वाणी, वैदिक शब्द, वेदों की यही वाणी है। तो सरस्वती जी का प्रकट होना अपने आप में बड़ा ही शब्द ही बड़ा सम्मोहक शब्द है। सरस, सरस मतलब क्या होता है? बड़ा ही मतलब ऐसा आनंद दे, सभी रस हो जिसमें, कहते सभी रस हो इसमें, सरस। लेकिन वास्तविकता में माइक रस नहीं, सरस वह रस। वो कौन है? रसो वही सा, रसो वही सा कौन है? कृष्ण रस की मूर्ति है। कोई सा भी ऐसा रस नहीं जो उसमें ना हो, तो रसो वही सा ये ब्रह्म सूत्र है, वेदांत सूत्र। तो वो रसों की जो आकर हैं उनसे जो भरी हुई है सरसवती, उस रस की वती अर्थात वान होता है, ऐसे वती होती। भगवान शक्तिमान है लेकिन भगवान के अंदर का जो रस है उसकी वती जो है वो श्री राधा रानी की जिह्वा, जो कि रसों की आकर है, जो कि रसों का सागर है, वो राधा रानी की जिह्वा ही जो कि कृष्ण गुणानु वर्णन करती है, जो कृष्ण के वैभव का वर्णन करती है। तो इसलिए सरस्वती मतलब उन रसों के आकर की आकर को धारण करने वाले, सरस को, उस रस को धारण करने वाले, या उस रस में पगी हुई, जहाँ उस रस से बनी हुई, वह है सरस्वती। जैसे गन्ना मीठा है लेकिन गुड़ उसमें छिलका पिलका कुछ भी नहीं, रस है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। चीनी में वो भी गंदगी नहीं है, वो भी क्षारपन नहीं है, और मिश्री में जो सूत के साथ मिश्री होती है, सीता मिश्री बोलते हैं, वो तो पूरी शुद्ध रस है लेकिन उसको कोई रस समझता ही नहीं, वो तो पत्थर की तरह दिखता है, है ना? तो पत्थर मारेंगे सिर फोड़ देगा, मिश्री बड़े ढीला होता ना। तो ऐसे इस प्रकार से सरस्वती जो वास्तविकता में वह है, वो है स अर्थात कृष्ण, स अर्थात इंद्रियातीत, स अर्थात अनंत वैकुंठों और ब्रह्मांडों से परे, स मतलब अंत, स मतलब वह शब्द अर्थ होता है, स का मतलब वह, वह मतलब कौन? जहां भी जाओगे, चाहे इस लोक में हो तो वो, तो देव मनुष्यों के लिए वो मतलब हो गया स्वर्ग सुख, लेकिन स्वर्ग में गए मनुष्यों के आगे देवता लोग कहते हैं वह सुख, वो कौन सा सुख है? आगे के जो देव लोक हैं, वो आप ब्रह्मा जी के पास गए कहते भैया यहां कुछ नहीं है, वो सरस, तो कहते वो कौन है? तो वो आगे गए तो कहते पता लगा शिवलोक,
उसके आगे गए कहते जी वो ब्रह्मलोक, उसके आगे गए परब्योम, उसके आगे गए वैकुंठ, वो सारे के सारे स स स स करते रहते हैं। और फिर अंत में जाके राधा रानी की जिह्वा का जब प्रसाद मिलता है, राधा रानी की जिह्वा से प्रकट हुए तो उनका जब प्रसाद मिलता तब कहते रसो वही सा एई, जो कृष्ण है यही रसों का आकर है, आगार है। इसलिए वह सरस्वती आज उनका प्रकट दिन है। आज के दिन उनके मंत्र का जाप, उनका स्मरण इस भाव से कि हम श्री राधा रानी की जिह्वा का स्मरण कर रहे हैं, हम श्री राधा रानी के उस रूप का वर्ण चिंतन कर रहे हैं जो रूप ठाकुर जी के रसों में पगा हुआ है, डूबा हुआ है, और वह रसों का संचार करने वाला है। देखिए आप और हम जितने भी जीव हैं इस संसार में, कोई भी भगवान के विषय में नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। अगर ना सुने तो कहां से जानेगा, देख करके जान लेगा, नहीं जान पाएगा। केवल मात्र श्रोत्रीय परंपरा से पता लगेगा कि ये सूरज नहीं है, ये तेज जो है कृष्ण का है। ये जब तक नहीं मालूम कृष्ण कौन है, जब तक नहीं मालूम पड़ेगा कृष्ण सब कारणों के कारण है, तो ऐसे लगेगा कोई मायावी जीव जो है रावण की तरह वो अपना तेज प्रकाशित कर रहा है। तो ये श्रवण जो है, श्रवण करना अर्थात सरस्वती जी को उपासना करना है। भगवान की कथा श्रवण का मतलब है सरस्वती जी की उपासना। उपासना बहुत तरह से होती है। उपासना का मतलब घंटी लेकर के बजाना भी होता है। उपासना का मतलब होता है कि उनके नजदीक वासना, उनके नजदीक बैठना। उपासन, उप का मतलब होता है नजदीक, उप का मतलब क्या, आसन लगाना, उनके नजदीक बैठना। और सरस्वती जी की उपासना का मतलब हम मंत्र जप कर रहे हैं तो मतलब हम उनके नजदीक हैं। हम कृष्ण गुणानुवर्णन कर रहे हैं मतलब वो हमारे नजदीक हैं। दो बातें बोली हैं, दोनों का अर्थ एक जैसा लगता है लेकिन अंतर है। हम उनकी उपासना कर रहे हैं अर्थात हम मंत्र इत्यादि जप कर रहे हैं। आज पूजा, बड़ी पूजाएं होती हैं, बंगाल में तो बहुत विशेष होता है, आसाम में बहुत विशेष होता है। वो मूर्तियां बना बना करके उनकी पूजा करते हैं, बाद में उठा करके फिर वो फेंक देते हैं, जैसे कि पता नहीं उनके साथ जिसकी पूजा की वो बेकार थी। ऐसा वहाँ पे एक नास्तिकता फैली हुई है, क्या बोलो। पहले पूजा की, बाद में उठा करके वही जो विसर्जन कर दिया। कैसे विसर्जन कर सकते किसी देव या देवी का, देव देवी का विसर्जन तो कभी नहीं होता, पूजा विसर्जित होती है। और अब तो कुछ विद्वानों ने श्लोक बना लिए संस्कृत में कि मैं आपकी पूजा के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं आपकी पूजा को और आपको विसर्जन करता। अरे तू क्या विसर्जन करता, विसर्जन नहीं होता है, चलो जो भी है। तो सरस्वती जी की एक है पूजा कि आप उनके नजदीक बैठ करके उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और भंडारा कर रहे हैं। यह एक सरस्वती पूजा। एक सरस्वती पूजा है जिसको धारण करके वो बैठी हैं, अर्थात जिससे हैं वो, उन श्री राधा रानी और गोविंद जी का स्मरण करते हुए, उनका नाम कीर्तन करते हुए सरस्वती जी को आनंद प्रदान करना। एक में आप उनके नजदीक बैठे हो, उपासन, उपासना। एक में वो आपके नजदीक आके बैठ गई हैं, उपासना। जब आप नजदीक बैठते हो तो संसार की विद्या, ब्रह्म विद्या, वैकुंठ इत्यादियों का जो सुख, जैसा जैसा जिसकी इच्छा है उसको वह प्राप्ति होती है। एक जब वो आपके पास आके बैठती हैं तब वह आपको कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं देती। जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आता है अपनी कामना लेकर के तो वो अपनी कामना लेकर के चला जाता है। कोई व्यक्ति मेरे पास नहीं आता लेकिन मेरे को
अच्छा जो लगता है वो करता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके पास जाऊँगा कि भाई तुम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको? भैया मेरे को कुछ चाहिए नहीं, है ना। जैसे कई संत लोग हैं हमारे गोवर्धन में, बड़ी महिमा है उन सब की। एक महात्मा है यहीं पे रोटी वाले बाबा, वो एक पेड़ के नीचे रहते हैं, डेली 200 300 400 महात्माओं का भोजन बनाते हैं, उनको प्रसाद देते हैं। कहाँ से पैसा आता है भगवान जाने, कहाँ से जाता है काज भगवान जाने, किसी से मांगने नहीं जाते। मतलब वैभव लक्ष्मी उनके पास आ करके उनके दरवाजे की चौखट रगड़ती है, भैया हमें भी सेवा में ले लो। और वो किसी को कोई सम्मान नहीं, कोई ये नहीं कि आ मंत्री आ गया तो चलो जी इनको स्पेशल बिठाएं, सभी नीचे बैठ के खाओ। तो ये है, एक है कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं, एक पैसा लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी जी हैं वो किसी के पीछे भागते, भी हमको भी ले लो सेवा में, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। ना जाने कितने ही महात्मा होंगे या कितने ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनको बोल रखा होगा, बाबा कछु भी जरूरत पड़े तो आप निसंकोच फलानी दुकान से ले लीजिए, जैसे मैंने भी बोल रखा है। लेकिन हमारे में अभिमान है, हमने बोल रखा है, उनमें अभिमान है नहीं, कहते जरूरत ही नहीं है इतना ठाकुर जी दे जाते हैं, मैं इतना कर ही नहीं पाता। ये चीज तो ऐसा होता है। एक है उपासक जो सरस्वती की उपासना करता है, एक है उन्हें आनंद देने वाला आह्लादक, आनंद प्रदान करने वाला सरस्वती जी को जो आनंद प्रदान करता है। राधा रानी की जिह्वा को क्या अच्छा लगता है, सरस्वती तो तभी हुई ना जब रसवती हो, तो राधा रानी की जिह्वा रसवती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, कृष्ण गुणगान, उनको कृष्ण गुणगान अच्छा लगता है। तो राधा रानी कभी अपनी महिमा नहीं बोलती, कृष्ण की महिमा बोलती। तो जो जीव राधा रानी को प्रसन्न करने की भावना से, राधा रानी को आनंद देने की भावना से, इस भावना से कि मैं उनके नजदीक बैठ करके उनकी जिह्वा को आनंद प्रदान कर रहा हूं, कर रही हूं, और भगवान का गुणगान गाते हैं, कैसा गुणगान गाते हैं, जो श्री राधा रानी को अच्छा लगता है। जैसे मेरी डायरी में लिखा हुआ है, फिलहाल तो समय नहीं है, वो है कृष्ण, हे कृष्ण तुम सुख सागर अनंत अपार, हे कृष्ण आप सुख सागर हो, अनंत अपार हो। जब ऐसा कृष्ण के लिए राधा जी ने बोला तो कृष्ण क्या बोलते हैं, हे राधे वह सुख आप हो, आपके बिना जो सागर है वो खाई है, महान बड़ी खाई। जैसे जल के बिना समुद्र नहीं होता, जल के बिना वो बड़े बड़े पर्वत और खाई होती है केवल मात्र, मैं उसी प्रकार से हे श्री राधा रानी आप सुख हो, मैं सागर डेफिनेटली हूं लेकिन सुख तो आप ही हैं, आपके बिना तो मैं क्या हूं, खाई। इस प्रकार से दोनों परस्पर एक दूसरे को आनंद देते हैं और सरस्वती श्री राधा जी की तरफ बैठ करके कृष्ण का गुणगान गाती हैं, क्योंकि राधा रानी की सखी हैं। और कभी कभी श्री कृष्ण भी इन राधा रानी की परिकरियों के, विशेष करके राधा रानी के गुणों को बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। जब असमर्थ होते हैं तब राधा रानी इशारा करती विशाखा जी को, जाओ उधर जाओ, उसके उनके पक्ष में जाके बैठ के, बेचारे हार रहे हैं, मायूस हो जाते हैं। ना सॉरी, ललिता जी इशारा करती, राधा रानी नहीं, राधा रानी तो कृष्ण को जिताना ही चाहती है कि
कि वो जीते हम हारे, तुम्हारी जीत में हमारी जीत है, हमारी हार तो तुम्हारे प्रेम का भरा उपहार है। हे ठाकुर, इस प्रकार से द्वंद्व होता है कृष्ण का और श्री राधा रानी का। राधा रानी की तरफ सरस्वती जी हैं, जिह्वा से प्रकट हुई। कृष्ण की तरफ क्या है? कुछ नहीं। ज्ञान जो है अनंत ज्ञान, अखंड ज्ञानमय तत्व भी अज्ञान से भर जाता है कि अब मैं क्या बोलूं। वो कृष्ण के लिए बोलती हैं राधा रानी, ये श्याम सुंदर आप तो चंद सुठार हो, हे कृष्ण तुम चंद्र शीतल सुठार। सुठार का मतलब ठहरा हुआ, कभी कम बढ़ती होने वाला नहीं। तुम बड़े सुंदर सुशीतल चंद्र हो, जो अनंत काल से तप रही आत्माएं हैं जब वो आपको देखती हैं सब ठंडक महसूस करती, आनंद महसूस करती। आप तो जाग जाओ आज, रोज तो समझ नहीं आता, आज तो कथा की तरीके से बोल रहा हूं, जगे रहो। यही कृष्ण, आप अनंत आत्माएं जो तड़फ रही हैं, जिस जैसे ही आपकी तरफ आते हैं उनको आप ऐसे ठहरे हुए चंद्र हो जो कभी कम बढ़ती नहीं होते, बढ़ती तो होते हो कम नहीं होते, सुशीतल आप पूर्ण चंद्र हो। तब राधा रानी को कृष्ण क्या जवाब देंगे? बात तो सही बोली, गलत तो बोला नहीं। विशाखा जी इशारा करते जा धनिष्ठा, तू जा। धनिष्ठा एक ऐसी सखी है जो उभय पक्ष का पक्ष लेती है, दोनों पक्षों में पक्ष धारण करती है। तो उन सखियां, धनिष्ठा सखियां जो हैं वो बहुत सारी हैं, उनमें से वह संचारित भाव को लेकर के, जो कि ललिता दी के द्वारा विशाखा जी में, विशाखा जी के द्वारा धनिष्ठा में, धनिष्ठा के द्वारा इन सखियों में संचारित भाव को लेकर के वो कृष्ण के कान के पास आके बोलती, ये बोलो ये बोलो। तो कृष्ण बोलते हैं, हाँ श्री राधे, तुम योत्सना अभिसार। मैं चंद्र हूं निश्चित ही, तुमने ठीक कहा, लेकिन योत्सना उसकी चांदनी तो आप ही हो, आपके बिना मैं क्या। तब राधा जी लज्जित हो जाती हैं, ललिता जी की तरफ देखती, क्या बोलूं। तो कहते आप तो सर्वोसर्वी हैं, आप तो सर्वेश्वरी हैं, आप जो बोलना चाहो बोले। ऐसे करके उनका बड़ा प्रेममय वार्तालाप होता है। वहां सरस्वती जी विराजमान रहती है, इस जगत में सरस्वती जी की छाया रहती है। जैसे माँ के हृदय में बच्चे के प्रति एक स्नेह होता है निश्चित, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन शुद्ध माता सती माता उसका अपने पति के प्रति जो समर्पण होता है, पति के लिए जो उनके अंदर उल्लास भाव या प्रेम होता है, वो बालक के प्रति नहीं हो सकता। प्रेम है लेकिन पति में बालक की तरह प्यार करती है, वो बालक की तरह उसको भी संवारती है, उसको भी सहलाती है, उसको भी सुलाती है, है ना। लेकिन बच्चे को ऐसा प्यार नहीं दे सकती। इस संसार में जो भी माया के द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है वो सब सरस्वती की कृपा से होगा, वो सब सब सरस्वती। सरस्वती मतलब सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा, इन्हीं की कृपा से हो रहा है। परंतु सरस्वती जी को आनंद, सरस्वती तभी सरस्वती होती हैं, मतलब सरस्वती तभी सरस्वती होती हैं, उस रस की वती होती हैं जब कोई श्याम सुंदर के गुण गाता है, श्री राधा जी के गुण गाता है। श्याम सुंदर के गुण गाने पे और ज्यादा प्रसन्न होती हैं, राधा जी के गुण गाने पे उन्हें स्वयं लगता है मैं तो राधा ही हूं, क्योंकि राधा जी से है ना, तो मैं तो राधा ही हूं। कई बार लगता है, हमेशा नहीं, कई बार लगता है। तो ऐसी लीला है। तो आज सरस्वती जी की पूजा का दिन है, आज मुझे जाना भी है वृंदावन, वहाँ एक बड़ा उत्सव है, वहाँ पे जाना पड़ेगा।
तो इसलिए सब लोग उस रस की जो वती हैं वही विष्णु प्रिया भी हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक ऊर्जा, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक गुण, प्रत्येक कला राधा रानी के, प्रत्येक भाव कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाले हैं, या कृष्ण को आकर्षित करने वाले हैं, खींचने वाले हैं। तो इसलिए जो विष्णु, विष्णु कृष्ण एक ही तत्व है, तो विष्णु की जो प्रिया है वो ही सरस्वती है। जैसे राधा जी कृष्ण प्रिया हैं, तो कृष्ण प्रिया राधा जी से ही सरस्वती हुई, ऐसे विष्णु प्रिया जो हैं वही सरस्वती हैं। तो आज विष्णु प्रिया का भी आविर्भाव है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्लोक को पढ़ लें। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। आइए। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। फिर आप इस स्थानं बोलते हो, इस मत बोला करो। हरे राय नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय कृष्णवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाईर करी चरण वंदन जाहि ते विघ्न नाश विश्व पुराण। ऐसे ठाकुर जी का दर्शन कर दो। ऐसे गोसाई यार मुई तार दास तस वार पद रेणु मोर पंच ग्रास तदे चरण से विभक्त सनिवास जनमे जनमे हय अभिलास। ऐछे गोसाई जबे ब्रज कैला भास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मान श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करियास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हर तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामी ततो नरसिंहा भई नरसिंहा हृदय।